अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रैंक की पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। पहले समझते हैं क्या है। देखो, लियोपोल्ड व्यूज ऑन वेज टू राइट हिस्ट्री थ्रू लाइट ऑन इस पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि लियोपोल्ड के हिसाब से जब कभी हम हिस्ट्री लिखें तो हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उसको लिखने के टाइम पे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इन्होंने बोला कि जब कभी तुम हिस्ट्री को लिखोगे तो तुम्हें बहुत ही ध्यान से रिसर्च करना है ना। जब तुम हिस्ट्री लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि तुमने कोई भी सोर्स उठाया, कोई भी डॉक्यूमेंट उठाया और तुमने बोल दिया कि यही हुआ था हिस्ट्री में। नहीं, तुम्हें बहुत ध्यान देना है कि तुम बहुत ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बहुत ही सही डॉक्यूमेंट्स को ढूंढो और उसमें से हिस्ट्री को लिखो। तो क्या लिखा हुआ, ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि हमें इसमें क्या करना है, जब रिसर्च करेंगे तो बहुत ध्यान से रिसर्च करना है, लेकिन क्रिटिकल मेथड क्या होता है वो देखते हैं। ही गेव इम्पोर्टेंस टू इंफॉर्मेशन गैदर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किन चीज़ों को दी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। किसे दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने बोला जब कभी तुम हिस्ट्री लिखोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट हो वो क्या होने चाहिए, ओरिजिनल। ठीक है, आगे देखते हैं। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट शुड बी एग्जामिन्ड इन डिटेल विद ग्रेट केयर। उन्होंने बोला सबसे पहले तो तुम जो हिस्ट्री लिखोगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिखोगे, ठीक है। सेकेंड, वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तुम उसे बहुत ध्यान से एग्जामिन करोगे। एग्जामिन करने का मतलब है बहुत ही ध्यान से जांच करोगे, ठीक है। तो पहला क्या उन्होंने बोला कि जब कभी तुम हिस्ट्री लिखोगे तो डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, ओरिजिनल। दूसरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है और उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ही बिलीव दैट विद दिस मेथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। तो इनका मानना है कि अगर हम असली डॉक्यूमेंट रखें, असली डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, तो हम हिस्ट्री के सच पे जा सकते हैं, ठीक है। ही वॉज क्रिटिकल अबाउट इमेजिनेशन इन नरेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ये कहते थे कि भाई हिस्ट्री को तुम कोई ख्याली पुलाव नहीं बना के लिख सकते, तुम कोई इमेजिनेशन अपनी हिस्ट्री नहीं लिख सकते। तो ही वॉज क्रिटिकल मतलब तुम लिख सकते हो ही वॉज अगेंस्ट द इमेजिनेशन, इमेजिनरी हिस्ट्री। तुम ये पॉइंट लिख सकते हो, ही वॉज अगेंस्ट द इमेजिनरी हिस्ट्री। इसका मतलब है तुम कोई ख्याली हिस्ट्री नहीं लिख सकते कि यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, या फिर वो राजा ने ये किया होगा। नहीं, किया होगा, हुआ होगा, ये सब नहीं लिख सकते। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ढूंढने के बाद उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जब ये दोनों काम करोगे तभी तुम हिस्ट्री के सच तक पहुंच सकते हो। तुम इमेजिनरी हिस्ट्री नहीं बोल सकते।